Now the third point up, which is very important right now, is equally like important as reading and writing, but इसमें आपको थोड़ा long term planning भी mention करना पड़ेगा. This is the point of long term planning. Now ऐसे बहुत से upcoming companies आ रही हैं, startups आ रहे हैं, जिनको कुछ लोग ऐसे चाहिए जो उनको help करें, guide करें कि उनकी company को वो कैसे run करेंगे या steps क्या होंगे. Okay, now इसमें there is no rocket science again. आपको क्या करना है, आपको हम घर में करते हैं ना, जैसे वीक के लिए हम सब्जी लेके आए हैं और आज ये सब्ज़ी बनेगी, कल वो सब्ज़ी बनेगी, शाम को ये सब्ज़ी बनेगी, तो हम प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग चाहे आप घर में अपने किचन के लिए कर रहे हो या अपने बजट के लिए कर रहे हो, प्लानिंग तो प्लानिंग है. ये सोचिए करना है कि आगे का चीज़ भी कैसे टू मेक इट फॉल ऑन प्लेस. तो इसलिए अगर हम नॉर्मल प्लानिंग के लिए थोड़ी चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड मतलब आप गूगल में भी सर्व करिए, सर्च करिए कि आप कैसे इन चीज़ों को आप अपने अंदर ला सकते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस. वाई? बिकॉज ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो उनके पास प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करें. एक प्रोजेक्ट उठाइए उनका, उनमें जाके आपको हेल्प करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा. इसमें हो सकता है कि आपको वो बुलाएं कि आपको ऑफिस में आके 4 घंटे या 2 घंटे बैठ के काम करना होगा, देन यू कैन गो. आई थिंक दैट्स सफिशिएंट. आपका एक आउटिंग भी होगा, बैठ के काम भी करेंगे एंड दिस इज़ वंडरफुल, और घर से थोड़ा ब्रेक भी मिलेगा, राइट? सो प्लीज़ रिमेंबर दीज 3 pointers एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ना दिस इज़ हाई टाइम व्हेन यू फील कि ऑफ एंड ऑन अपने पैसे की जो एक पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हम सबको होती है, और हम खड़े हो जाते हैं हस्बैंड के पास कि सुनो आज सब्जी के लिए पैसे दे देना, तो हम वो भी नहीं करेंगे. और अपना पैसा तो फिर अपना ही होता है, जब मन किया बाहर निकल के कुछ खाए पिए चले आए. सो हु डजंट वॉन्ट इट? आई थिंक वी ऑल इन्जॉय दैट पार्ट, फाइन. सो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं एंड टेक चार्ज. ओके, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लीव द कमेंट्स. आई विल लाइक टू नो मोर वॉट एक्स्ट्रा यू वॉन्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी. And these 3 pointers will not just help you to earn, but पता है जब हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक रिवाइज्ड पर्सनैलिटी के ओनर होते हैं, एक डिवेलप्ड पर्सनैलिटी के ओनर होते हैं. सो स्टार्ट डिवेलपिंग योर पर्सनैलिटी विद दैट. बाय बाय.